Today this video lecture is about Ohm's law along with resistance and factors affecting on the value of resistance. So course outline of today video lecture is about Ohm's law, formula, system international unit, mathematical description, scalar vector, resistance, definition, formula, SI unit, scalar vector quantities, factors affecting resistance in terms of length, area, resistivity and temperature. And in the end of the lecture I will provide you applications and uses of Ohm's law in AC and DC circuits. So इस video lecture में हम Ohm's law को in detail study करेंगे, resistance को study करेंगे और जो resistance से associated factors हैं regarding length, area of cross section, resistivity or specific resistance and temperature. And I will provide you the applications and real world uses of Ohm's law in both AC and DC circuits. Okay, so first of all we will understand the concept of Ohm's law. So Ohm's law is defined as the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage or potential difference applied across its ends provided the temperature and physical conditions remain constant. सो करंट किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस एज अ सोर्स है और जो करंट है वो एज अ उसका अफेक्ट है. सो अगर मैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ जिसकी वैल्यू लेट अस से वी हो, तो चूँकि कंडक्टर है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा और जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने उस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया है. जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे ही जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी भी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी. लेकिन यहाँ टेम्परेचर जो सा है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. उसकी वजह यह है कि अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी तो जो कंडक्टर का वाइब्रेशनल मोशन है एटम्स का, जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, वो वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाएगी और जो रेजिस्टेंस एक फिनोमिना क्रिएट होगा जो कि करंट के फ्लो को अपोज करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना चाहिए और जो फिजिकल कंडीशंस है लाइक इलेक्ट्रिकल नॉइसिस है या कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे करंट के फ्लो को अपोजिशन ऑफर हो तो वो हमने फिक्स कर देनी है, कांस्टेंट कर देनी है. ओके, सो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो सी है ओहम्स लॉ की, वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR. सो V इक्वल्स टू IR बेसिकली इक्वेशन फॉर्म है और हेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं. ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम ओहम्स में मेजर करते हैं. सो वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स. सो एज फार एज कंसर्न विद द लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ, सो ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल एलिमेंट्स लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स एज ए अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इन वन डायरेक्शन ओनली. सो यूनिलैटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलो करवाते हैं, कि वो अलो करते हैं कि करंट जो सा है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करे. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल डायोड है. तो डायोड जो सा है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है क्योंकि उस केस में वेरी वेरी मच रेजिस्टेंस उसे ऑफर होती है जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF कहते हैं. लेकिन अगर उसी डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाएं तो वो ऑपरेट नहीं करेगा. उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी जिसकी वजह से डायोड जो सा है वो रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट ही नहीं करेगा. तो ये वजह होती है कि वो यूनिलैटरल एलिमेंट है. अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट इज ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, सो बाइलैटरल्स में तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ये सारे क्या हैं, बाइलैटरल्स है. इसमें जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करंट जो है वो फ्लो कर सकता है. लेकिन यूनिलैटरल एलिमेंट्स में करंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है, तो वहाँ ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ. एंड
और जहाँ तक नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात है लाइक कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, वो एक नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मीन्स कि जहाँ वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, उसमें जो इक्वेशन जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स जो उनसे हैं वो आ जाते हैं जिससे वाई इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो रेजिस्टर एक प्योरली लीनियर कंपोनेंट है, बट कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स नॉन लीनियर है, तो इसमें ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ओहम्स लॉ को एप्लीकेबल करना, इन विच द वोल्टेज एंड करंट वुड नॉट बी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेकिंग इट डिफिकल्ट टू यूज़। तो ओहम्स लॉ वहाँ यूज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है जहाँ नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हों। ओके, सो दिस इज़ अ पाई चार्ट ऑफ ओहम्स लॉ, इसमें रिलेशनशिप्स लिखे हुए हैं ओहम्स लॉ के इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ पावर। तो जैसे आप देख सकते हैं P इक्वल्स वी स्क्वेयर बाय आर, P इक्वल्स आई स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, ये पावर डिसिपेशन के फार्मूलेस हैं, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी रेजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और हमें पता है कि E इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, यानी E इज़ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1/4 सेगमेंट्स है टोटल, हर 1/4 क्वाड्रेंट पार्ट में इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, एम्पीयर्स, पावर, रेजिस्टेंस, उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। ओके, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसमें हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ना करे तो जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है वो डैमेज हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम एलईडी को यूज़ करते हैं तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर वो रेजिस्टेंस ऐड ना हो तो जो एलईडी की लाइफ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो सकती है, और यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा करंट की सर्ज ज़्यादा आ गई है, रेटेड करंट से करंट एक्सीड हो गया, रेटेड मींस कि जो वैल्यू स्टैंडर्ड हमें गिवन है, लेट अस से एक एलईडी है वो 1.2 एम्प्स पे ऑपरेट होती है, अगर करंट उसकी रेटेड 1.2 एम्पीयर से ज़्यादा चला गया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें इंट्रोड्यूस करवाया है रेजिस्टेंस, दी ऑपोजिशन ऑफर टू दी फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव में जो एक रुकावट करंट को पेश होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज आर इक्वल्स टू वी बाई आई। हेयर वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पीयर्स, सो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम्स। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर ऐड करते हैं, ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस, एग्जांपल लाइक रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर ओहम्स लॉ को ओबे करता है, इन विच वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, नॉन लीनियर नॉन ओहमिक डिवाइसेस वो होती हैं कि जिसमें वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एग्जाम्पल क्या है, जिसका फिलामेंट बल्ब है, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, फिलामेंट बल्ब्स, ये सारी एग्जांपल है नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, इन विच वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आइदर कर्वीलिनियर पाथ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो सकता। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सो फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ, so the value of resistance increases with the increase in length, let us say 5 meter length का एक conductor है, ठीक है, उसमें से मैं current pass करता हूँ by applying potential difference V, और एक 10 meter का rod है तो obviously उसमें जो vibrational motion of atoms है, जो vibrations कर रहे हैं और current के flow को electrons को oppose कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब with the increase of length the value of resistance increases. Now, area of cross section, unlike length, area of cross section is inversely proportional to resistance. It means for increasing area of cross section of a conductor, the value of resistance
डिक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से भी वैल्यू जो सी रेजिस्टेंस की है वो इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो कंडक्टर में वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा हो जाता है, एटम्स ज़्यादा वाइब्रेशन से मूव करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से करंट के फ्लो को अपोजिशन ऑफर होती है। सो फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, सो इस सारे रिलेशनशिप को अगर हम समअप करें तो आर इक्वल्स टू रो, रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हर कंडक्टर की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जो कि उसे एसोसिएट होती है, और उसके बाद उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी जो कि उसको अपोज करेगी। ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। लाइक कॉपर के केस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1.78 क्रॉस 10⁻⁸ ओहम मीटर है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही टर्म है जिसका यूनिट ओहम मीटर है। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट से आज हमने सीखा कि ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिलैटरल एलिमेंट्स लाइक डायोड्स, फिलामेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स में करंट एक ही डायरेक्शन से मूव करता है, और जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वहाँ वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ और भी फैक्टर्स एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट था वो ओहम्स लॉ से रिगार्डिंग था, रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग था, और फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस से एसोसिएट होते हैं लाइक लेंथ, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इस प्लेटफॉर्म से नॉलेज जो है वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स और रिमेनिंग लर्नर्स को भी प्रोवाइड हो सके। और इस चैनल पे मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड कंप्लीट PLC कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की हुई है, और फर्दर लेक्चर सभी मैंने अपलोड करने हैं टाइमर्स, काउंटर्स, रिलेस की बेस पे, तो आपने उसको भी वॉच करना है ताकि आपको इंडस्ट्रियल रिस्पेक्ट से भी क्लैरिटी हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।